हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धार नगरी बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया जिला अस्पताल का दौरा। सांसद कोष से दिए 50 लाख व्यवस्था देखी। बाड़मेर जैसलमेर सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर के सबसे बड़े अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे सांसद कैलाश चौधरी ने सांसद कोष से 50 लाख रुपए दिए। उन्होंने बाड़मेर में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने के लिए ये 50 लाख रुपए की घोषणा की। इस राशि से बाड़मेर और बालोतरा अस्पताल के लिए दिए 25-25 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर एवं दवाइयों के लिए ये राशि खर्च होगी। जिला अस्पताल के दौरे के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने राज्य की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कोरोना अपने विकराल रूप पर है, इसे रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार वक्त पर इसे काबू पा सकते थे, लेकिन कोरोना के नाम पर राज्य सरकार ने केवल राजनीति की। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। उन्होंने देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर तारीफ की। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।